जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरा जोहार। आज मैं अपने गढ़वा जिले से 6 किलोमीटर दूर एक ऐतिहासिक स्थल पे हूँ, जहाँ आपको एक अद्भुत चीज दिखाने जा रहे हैं। आप सभी जुड़े, मेरा दावा है इतना बढ़िया चीज गढ़वा में अब तक लोग नहीं देखे होंगे। देखिए दिखाते हैं एक, ये देखिए पहाड़ी इलाका, एकदम पहाड़ के बीचों बीच इस साइड में रेलवे लाइन, और यहाँ देखिए स्ट्रॉबेरी का खेती। अब तक हम लोग बड़े बड़े शहर से लाते थे, देखते थे, फसल तो देखे ही नहीं थे, और आज देखिए ये खेती। एक बंजर जमीन में हमारे गढ़वा के अयोध्या बिंद भाई ने इसे उगाया है, और गढ़वा जिला को गौरवान्वित कर रहे हैं। ये बिल्कुल एक अद्भुत नज़ारा, इस तरह की खेती। ये देखिए, अब तक आप बड़े बड़े शहरों में ही इसे किसी मॉल में या फल की दुकान पे देखे होंगे, आज लाइव देखिए मेरे हाथों में, और इसकी खेती भी दिखा रहे हैं आपको। बिल्कुल बंजर जमीन, ये पहाड़ी इलाका देखिए, ये पहाड़ है, ये रेलवे लाइन का साइड है, और ये मेरे हाथों में अपने हाथों से तोड़ा हुआ ये फल, बिल्कुल अद्भुत। भाजी थोड़ा इधर आइए, आपसे बात करेंगे। बाबू एक सप्ताह हो रहा है। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम अयोध्या बिंद है। ये आप उगाए हैं? जी है? जी। तो कितना दूरी पे ये खेती किए भैया आप? इसको हम 50 डिसमिल में किए हैं। 50 डिसमिल? जी। 50 डिसमिल में लगभग फल कितना निकलता होगा रोज? फल अभी तो शुरू हो रहा है। हाँ। तो 10 केजी के डेली के हिसाब से निकल रहा है। 10 किलो? हाँ। इसका प्रेरणा कहाँ से मिला, आप कैसे इसको? हमने तो ये गढ़वा जिला में इस तरह का नया चीज, हाँ, इसके पहले तो शायद नहीं था कहीं? नहीं था, लेकिन हम इसको मोबाइल में देखे। हाँ। एक दिन तो हमारा मन हो गया कि हम भी करके देखें यहाँ होगा कि नहीं। तो हमने 400 गाछी अपने से खरीद करके लाए बिहार से। हाँ। तो वो उसमें हमारा सफलता नहीं मिला। अच्छा। लेकिन फिर हम हार नहीं माने जी, इसको हम फिर विभाग से कॉन्टेक्ट किए। हाँ। और कृषि विभाग से गाछी उपलब्ध हो गया, तो हम इसको लगाए, और हमारा इस साल जो है बहुत बढ़िया इसका फल मिल रहा है। सच में ये गढ़वा के लिए, हमारे जिला के लिए गौरव की बात है कि इतना बढ़िया बढ़िया चीज आप यहाँ उगा रहे हैं। और आप किस किस चीज का खेती करते हैं? हम यहाँ तो सब्जी में सब सब्जी का करते हैं, लौकी। ये तो बंजर जमीन हुआ करता था पहले? हाँ, इसमें कुछ नहीं, क्योंकि ये तो पहाड़ है, पीछे पहाड़ के नीचे तो पहले कुछ भी नहीं हो सकता, पलास का झाड़ी था एकदम। हाँ। तो इसको हम ये बराबर कराए, सिंचाई उपयोग। हाँ। सिंचाई के लिए जमीन को बनाए जी। अब कैसा महसूस होता है? अब तो हमको यहाँ स्वर्ग जैसा लगता है। सच में यार अद्भुत है, मतलब इस तरह का गढ़वा जैसे जगह में इसका खेती करना बिल्कुल ऐतिहासिक है।
जी सर, हम तो आज हम लोगों से अपील करेंगे कि आप गढ़वा जिला के हैं तो ज्यादा दूर नहीं है, मेरे शोरूम से, मेरे ऑफिस से, मेरे कपड़ा बैंक से मात्र 6 किलोमीटर दूर अरंगी गांव में है और बहुत खूबसूरत जगह और सुहाना गांव है, बहुत अच्छा। और भाई का चीज आइए और इसका स्वाद लीजिए और खरीद कर खाइए। हम भी आज खरीदेंगे इनके हाथ से और खरीद के अपने घर ले जाएंगे, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। तब तक अभी और कुछ दिखाते हैं भैया, इसको आप अपनी अमानत को पकड़िए, तब तक कुछ और दिखाते हैं अपने भाई लोगों को। गजब का अद्भुत लाइव देखिए, अब तक हम लोग वाह, ये देखिए सुंदर, बहुत शानदार। कैसे किलो बेचते हैं भैया इसको? इसको हम अभी 250 रुपए के जी। 250 रुपए मात्र? अरे यार 250 रुपए तो अब अमरुद नहीं मिलता है यार, बढ़िया। लेकिन यहाँ के लिए नया है, अभी सब कोई खाने नहीं जान रहा है। मतलब आप चाह रहे हैं कि सब लोग हमारा स्वाद चखे? हाँ। आसानी से यार, और इसका वाह बहुत बढ़िया है यार, मात्र 250 रुपए किलो आए और एकदम बाघ का हाथों हाथ तोड़ा हुआ, वाह सुंदर, क्या बात, अद्भुत, जितना सुने थे उससे अधिक मजा आ गया यार। कितना सुंदर है देखिए ये पर, कितना दिन में निकल जाता है? बहुत ही सुंदर। बोने के बाद पौधा रहेगा, पानी मिलेगा, अगर छाया में रहेगा तो सालों भर रह जाएगा पौधा, लेकिन फल नहीं दे पाएगा। और वहाँ उसमें क्या लगा है भैया? उसमें उसमें लौकी है, उसमें जाने के लिए रास्ता बाहर से, और वहाँ वो सब टमाटर है। ओ चलिए, हम वो भी देखेंगे और अपने सभी लोगों को दिखाएंगे। बिल्कुल अद्भुत, बिल्कुल अद्भुत। आप सब बने रहें, बहुत कुछ दिखाएंगे अभी आपको, बहुत ही बेहतरीन, मन खुश हो गया। आप लोग भी आइए, मात्र मेरे कपड़ा बैंक से 6 किलोमीटर दूरी पे है। ये देखिए ये चना लगा हुआ है, ये चना का खेती, वहाँ वो बैगन लगा हुआ था ना, उधर में बैगन है, पपीता है, चलिए वो भी देखते हैं। आप सब जुड़े रहिए, बेहतरीन, बहुत अच्छे जगह पे आज पहुँचे, आज इनको हम सम्मानित भी करेंगे अपने भाई को। ये देखिए पपीता, इतना छोटा सा पेड़ लेकिन पपीता देखिए सुंदर। इधर गन्ने की खेती था लेकिन अब गन्ना कम हो गया। वाह क्या बात है, ये देखिए बैंगन की खेती, मजा आ गया, वाह देखिए बैंगन, बेस्ट क्वालिटी,
बिल्कुल बंजर जमीन में इस भाई ने उगाया है। देखिए कितनी छोटी पेड़ और कितना भारी बैंगन, बहुत शानदार। सिर्फ बैंगन ही बैंगन है इसमें। बिल्कुल अद्भुत। देखिए शानदार, ये हमारा गांव का खूबसूरत बागवानी और किसानी, यही हमारे रियल अन्नदाता। उधर पपीता, बैंगन की खेती, बहुत कुछ है। आप जुड़े रहिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, बहुत कम समय में ज़्यादा कुछ दिखाएंगे आप लोगों को। यह है हमारा गढ़वा, शानदार गढ़वा, जोहार गढ़वा। सब बने रहे, आइए भैया थोड़ा सा उधर घूमेंगे आपका। हाँ बेहतरीन पल। वाह ये देखिए, देखिए कितनी लंबी दूरी में ये खेती। ये है अरहर, जिसकी दाल हम लोग खाते हैं, अरहर की दाल। और ये रेलवे लाइन, बहुत भाई लोग वीडियो कॉल पे जुड़ना चाहते हैं लेकिन माफी चाहते हैं दोस्त, क्योंकि नहीं ले सकते वीडियो कॉल पे, क्योंकि कम समय में ज्यादा कुछ आपको दिखाना है अपने शहर के बारे में, इसलिए माफी चाहते हैं भाई, वीडियो कॉल पे नहीं ले सकते हैं। आप सबको नमस्ते, मेरा आदाब सलाम जोहार जय हिंद। सब भाई को, जितने लोग जुड़े हुए हैं, जितने जुड़ना चाहते हैं, सबको दिखाते हैं भाई। देखिए ये खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही शानदार। बंजर जमीन में हमारे अयोध्या भाई ने किया है ये शानदार खेती। ये देखिए कद्दू, वाह, ये हमारे कद्दू शानदार। मजा आ गया। हर तरह की सब्जी और फल इस भाई ने उगाया है। देखिए इस साइड में कद्दू, इस साइड में स्ट्रॉबेरी। देखिए बहुत अच्छा से घेराबंदी भी, ताकि जानवर फसल को बर्बाद ना करे, चूंकि पहाड़ के से सटे हुए है, पहाड़ी इलाका है। क्योंकि हम लोग को तो गांव में मिल जाता है देखने, लेकिन जो मेरे मित्र हैं दिल्ली मुंबई कलकत्ता
या बड़े बड़े शहरों में उन्हें कहाँ मिलेगा यार ये देखने। तो स्पेशल वीडियो उनके लिए खास जिनके शहर में इस तरह के नहीं मिलते हैं। ये देखिए टमाटर, टमाटर है तो पूरा टमाटर चारों तरफ से। इस भाई से हम भी खरीदेंगे और आज भाई को सम्मानित करेंगे। ये बैगन, कौन कौन घूमना चाहेगा यहाँ? देखिए यह उनका पहरा करने का एक जगह जहाँ ये बेचारे दिन और रात रहकर खेती करते हैं। इसी मड़े में कितने कठिन से ये खेती करते हैं और हम लोगों को उपलब्ध कराते हैं। देखिए इनकी मंचा, और ये रहा सुंदर पहाड़, थोड़ा जूम करके दिखा दें। वाह लाजवाब, देखिए पहाड़ के तट पे जहाँ सब्जी उगाना फल उगाना बड़ा ही कठिन क्योंकि पथरीली इलाका है, लेकिन इस भाई ने कर दिखाया। देखिए खेती स्ट्रॉबेरी की, चलिए अपनी गढ़वा की बेहतरीन फसल को हमने दिखाया। शायद ये जिला का पहला है, या कहे तो पलामू परमंडल का ये पहला खेती है। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद।